तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला सुकमा है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर है। सी है आपका छत्तीसगढ़ का पश्चिमी जिला बीजापुर है। या डी, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला रायगढ़ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों सही? देखिए, कमेंट्स करने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब डी असत्य है। ठीक है, और सही क्या है कमेंट्स करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का है ना कितनी प्रतिशत भाग लेकर नया राज्य बना? ठीक है, तो ए है आपका 30.47%, 40.47%, 50.47% या 25.47%। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, 30.47%। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए बड़े ध्यान से, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ना? 5.4%, 6.4%, 4.11% या 7.11%? कॉमन सा प्रश्न है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिए सही आंसर क्या है। सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 4.11%। ठीक है, और आपका जो है पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य है कौन है दोस्तों आपका? मध्य प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या झारखंड? ठीक है, कौन सा है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, झारखंड। ठीक है, उत्तर ध्रुव लगाइएगा, है ना, अच्छे से लगाइएगा, सोच समझ कर लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य कौन है? है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? कौन सा दोस्तों? ऑप्शन से उठाइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम सीमा वाला राज्य है। ठीक है, सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन है आपका? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना या डी महाराष्ट्र? ठीक है, लगाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तीन राज्यों की सीमा को, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाली जिलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 2, 4, 3, 1। ठीक है, तो कौन कितनी है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। ठीक है, 3 का 2 है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए ए 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 का 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है सबसे कम कौन है? बलरामपुर, सुकमा, धमतरी या कोंडागांव? ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है ना, कमेंट्स करने की कोशिश करिएगा, इससे क्या होगा दोस्तों आपके नॉलेज में वृद्धि होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है ना, धमतरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है, सबसे अधिक बोला है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, तो धमतरी, राजनांदगांव, बीजापुर या बलरामपुर? ठीक है, तो कौन सा आंसर है सही? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों आपका, बलरामपुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ढीला मारकर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जसपुर जिला है ना, जसपुर जिला निम्न में से किन दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है झारखंड, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, उड़ीसा, ऑप्शन डी है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, झारखंड एवं उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, तो जसपुर 2 राज्यों। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, कमेटी अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीजापुर जिला निम्न में से किन 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं उड़ीसा या महाराष्ट्र एवं तेलंगाना? ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए, राजनांदगांव जिला निम्न में से किन 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ठीक है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं उड़ीसा? ठीक है, यदि उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, कौन सा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर देखिए सही आंसर लगाइए। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ठीक है, कम एति क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए वर्तमान छत्तीसगढ़ में भू आविष्टित जिलों की संख्या कितनी है भाई साहब, कितनी है भाई साहब बताइए, 9, 10 है ना, 11, 8। पहले था कितना दोस्तों, जीपीएम बनने के बाद है ना 10 हो गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है 10। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा सीमावर्ती जिला है, ठीक है, राजनांदगांव, जीपीएम है ना, बीजापुर, कोरिया, कौन सा दोस्तों आपका है ना, तो सबसे बड़ा सीमावर्ती जिला ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, राजनांदगांव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे छोटा सीमावर्ती जिला है, कौन है दोस्तों आपका सबसे छोटा सीमावर्ती जिला है ना, ए राजनांदगांव, जीपीएम है ना, या बीजापुर या कोरिया। ठीक है, तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भू आविष्टित जिला है, कौन है, दंतेवाड़ा, बालोद है ना, सरगुजा, कोरबा है ना, इजी है दोस्तों, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिए, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों आपका, कोरबा है। कमेटी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चिप्स वाला क्वेश्चन है ना, तो देखिए छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटाव स्थित है, है ना, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर या आपका बिलासपुर। ठीक है, आंसर कमेंट्स करने की कोशिश करिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, कोरिया जिला। ठीक है, और ये जो आंसर है दोस्तों है ना, चिप्स के अनुसार लिया गया है। ठीक है, खाने वाला चिप्स नहीं, ठीक है ना, तो ये आंसर चिप्स के अनुसार लिया गया है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसका आंसर सूरजपुर है। ठीक है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा खालिस्तान भारतीय राज्यों से लगती है। ठीक है, कितने, तो 7, 6, 8, 5 ऑप्शन लगाइए, ये जी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है ना, 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कमेटी दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है कितना है ना, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 1,95,898 वर्ग किलोमीटर, या 3,02,772 वर्ग किलोमीटर, या डी है आपका 1,60,194 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिए दोस्तों है ना, तो ऑप्शन नंबर है ना कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, है ना, नॉलेज ज़्यादा हो रहा है यार इधर आजकल। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घिरे हुए हैं। ठीक है, तो वही है दोस्तों है ना, कितना भाग घिरे हुए हैं है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी वैसे भी सही है ना, 4.11%। ठीक है, देख लीजिएगा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती, नहीं लगती है बोल रहे दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, कहाँ बिहार है यार, ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार। ठीक है, मैप से अगर आप पढ़ते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और प्रयास करिए कि मैप से अधिक पढ़ने का। ठीक है, और शायद इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ लिंक। ठीक है, देख लीजिएगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती, फिर वही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है ना, तो कौन सा राज्य, देखिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ओके, मेरा दोस्त रो रहा है यार, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता, वही क्वेश्चन है, कौन सा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कहाँ, कर्नाटक है यार, ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा है ना, ऐसा नहीं है कि वही वही क्वेश्चन भरा हुआ है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशी विस्तार कैसा है, तो कैसा है दोस्तों आपका है ना, कम है, अधिक है, बराबर है या अतिरिक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई खालिस्तान किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, देखिए 500 से 600 किलोमीटर, रावण की कसम, सॉरी डकार आ गया भाई,
है ना, रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 500 से 600 किलोमीटर है ना, या ये 5 है, ये 500 है, 600 से 700 किलोमीटर, या सी है 400 से 500 किलोमीटर, या डी है 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, वीडियो कहीं से कटा हुआ नहीं है दोस्तों, है ना, जैसा बन रहा है वैसा बन रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ है ना, गलती होगा तो इग्नोर करिएगा दोस्तों प्लीज़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किन जिलों में कर्क रेखा गुजरती है? वेरी वेरी आईएमपी, ये घ है, ये ऐसे रहता है, डेस वाला है। ठीक है, तो देखिए किन किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? देखिए ऑप्शन ए कोरिया है ना, सरगुजा बलरामपुर है ना, सरगुजा जसपुर या बलरामपुर, या कोरिया जसपुर सूरजपुर, या आपका कोरिया सूरजपुर बलरामपुर। ठीक है, तो ऑप्शन उठाने की कोशिश करिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये तो सबको याद होना चाहिए, बल्कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कोरिया सूरजपुर बलरामपुर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कमेटी क्वेश्चन आ जाइए। तो देखिए ये है आपका भारतीय मानक समय रेखा है ना, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए बलरामपुर सरगुजा रायगढ़, या ऑप्शन बी जांजगीर चांपा बलौदाबाजार महासमुंद, या ऑप्शन सी कोरबा बिलासपुर कोरिया। ठीक है, या ऑप्शन डी ठीक है सूरजपुर कोरबा बिलासपुर। ठीक है, तो लगाइए दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, जांजगीर चांपा बलौदाबाजार महासमुंद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कमेटी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है कितनी है दोस्तों? ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है ना, जो दूसरे राज्यों को छूता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन से है ना उठाने की कोशिश करिए, ए 18, बी 16 है ना, सी 17, या डी 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 18 है ना, कमेटी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन है दोस्त? तो देखिए आपका वही है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, धमतरी रायगढ़ राजनांदगांव बलरामपुर, ऑप्शन नंबर वही है, ऑप्शन नंबर डी है ना बलरामपुर। ठीक है, तो वही है, इसको है ना पीडीएफ बनाते बनाते क्वेश्चन को छाड़ते छाड़ते ना दोस्त कभी दिमाग थोड़ा आउट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, इस राज्य का अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? ठीक है, सुकमा कोंटा दंतेवाड़ा बस्तर, तो कौन सा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन यहाँ पर जिला बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सुकमा है ना, सुकमा के अंतर्गत कोंटा है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है ना, छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व से सटती है, तो पूर्व से सटती है उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा। ठीक है, तो कौन सा दोस्त आपका है ना पूर्व बोले तो इधर है ना, इधर, तो ऑप्शन नंबर है ना डी सही है आपका, उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में है ना खालिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाती है, तो पश्चिम बोला है दोस्तों इधर बोला है। ठीक है, इधर है ना, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश है ना, या फिर उड़ीसा या महाराष्ट्र, वही है दोस्तों है ना, उधर क्या है आपका है ना, क्या है आपका डी है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए कमेटी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ की पश्चिम से लगे हुए हैं। ठीक है, ए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, या सी है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, या डी है आपका मध्य प्रदेश एवं बिहार। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। ठीक है, कमेटी क्वेश्चन बड़े बाप। ठीक है, तो देखिए ये है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो रायपुर नारायणपुर सरगुजा या सुकमा, तो कौन सा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सरगुजा। ठीक है, चलिए कमेटी क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं? ठीक है, तो कौन से जिले संलग्न हैं? देखिए ऑप्शन ए बलरामपुर सरगुजा या कोरिया, ठीक है, और उसके बाद बिलासपुर मुंगेली कोरबा, या कोरिया कोरबा बिलासपुर, या डी है मुंगेली जीपीएम कोरिया। ठीक है, तो कौन सा है? गौरेला पेंड्रा मरवाही है ना आपका, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, जीपीएम ना बनने के बाद दोस्तों ये तो बिलासपुर ही था। ठीक है, तो मुंगेली जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही और कोरिया, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कितने राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़? ओके छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है ना, तो 6, 7, 5 या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है यार, और ये बच्चे को पता है ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है, फिर वही सबसे कम ऑप्शन नंबर एक सही है, धमतरी। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है भाई भाई भाई, ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है ना, देखिए इस राज्य के बस्तर संभाग में निम्नलिखित जिलों की संख्या
है ना, निम्नलिखित में से कितनी है, तो बस्तर संभाग में कितने जिले हैं यही पूछा है, ठीक है। तो देखिए 5, 6, 7 या 8 कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर, मैप से पढ़िएगा तो आपको रहेगा याद। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 7, ठीक है, दिखेगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इस राज्य में निम्न में से किस संभाग में जिलों की संख्या 6 है, ठीक है। तो संभाग में 6 है ना, कितने जिलों में, मतलब कौन से संभाग में जिलों की संख्या 6 है पूछा यार, सीधी बात, ठीक है। तो ये दुर्ग है ना, रायपुर, बिलासपुर, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो कौन सा संभाग है, ऑप्शन नंबर जीपीएम बनने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बिलासपुर। पहले 5 थे लेकिन गौरेला पिंडरा मरवाही बनने के बाद 6 हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है, आंध्र प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला कौन है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा या सुकमा बीजापुर, कौन सा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सुकमा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की सीमाएँ महाराष्ट्र से लगी हुई है ना, ओके अरे गलत आपको है ना, कैसे का आई तो कोरोना और रोना चलत हुआ है देखा भाई, हाँ ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई है, ठीक है, ए 5 है ना, बी 7 या सी 3 या डी 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है, 4, ठीक है, मैप से देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है, ठीक है। तो दक्षिण सीमा किस राज्य से लगती है आपका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। रावण की कसम, बार बार ढकार आ रहा है यार, सॉरी, रक्षा बड़ी खाए मजा आ गया आज। उड़ीसा, ओके, देखिए उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है, ठीक है, महासमुंद, सरगुजा है ना, रायपुर या दुर्ग, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, महासमुंद, ठीक है, उड़ीसा कुछ होता है देखिएगा मैप को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये है आपका, इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, तो ये उत्तर में स्थित है बोला है, ठीक है। तो कौन सा है दोस्तों, देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। तो कौन सा है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, सरल है ना, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है, नर्मदा बेसिन का भाग है कौन दोस्तों, देखिए आपका राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा, कौन है दोस्तों आपका नर्मदा बेसिन का भाग, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, राजनांदगांव, ठीक है। चलिए कमेटी जल्दी, ओके है, छत्तीसगढ़ का है ना भारत में स्थान है ना, ओके, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्त। तो छत्तीसगढ़ का भारत में स्थान है कौन सा, ठीक है, देखिए है ना, 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है, 10वीं, ठीक है। चलिए कमेटी दोस्त, अगला, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका, देखिए जसपुर है ना, जांजगीर चांपा, धमतरी, दुर्ग, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, दुर्गा मैया, ठीक है, दुर्ग, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ में निम्न जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है, ठीक है, तो कौन है आपका, देखिए दंतेवाड़ा, कवर्धा, रायपुर, दुर्ग, वही है आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्या, ओके, ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, दुर्ग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किस राज्य से सर्वाधिक लगा हुआ है, तो सर्वाधिक किससे लगा हुआ है, ठीक है, वही है आपका है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, उड़ीसा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये वेरी वेरी आईएमपी वही है ना, छत्तीसगढ़ कब अस्तित्व में आया है ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए सरल है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 1 नवंबर 2000, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का निर्माण किसे काटकर हुआ, बच्चे को पता है, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2000 रुपया में कौन कौन 3 राज्य बने, ठीक है, 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने हैं आपका, देखिए तो देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है ना, मध्य प्रदेश या कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, देखिए सिंपल सा है दोस्तों है ना, सबको याद है ना, याद रखना ही चाहिए, और ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ भारत का खालिस्तान राज्य है, तो कौन सा है आपका, 23वां 24वां 25वां 26वां, आहा भाई सच्ची बता रहा हूँ भाई, वीडियो बनाए मना सही माँ
का करबे, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी है भाई, नहीं तो यूट्यूब वाला पता चल जाते वीडियो नहीं बनाते वह एक चैनल लौड़ा दिया जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी 26वां। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कमेटी। देखिए छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। ठीक है देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, नए राज्यों के कानून, या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, या मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है अगला क्वेश्चन है इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है और इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर देखिए 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है 9वीं। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है देखिए 31 जुलाई 2010, ठीक है 9 अगस्त 2000, 25 अगस्त 2000 या 28 अगस्त 2000। ऑप्शन नंबर उठाइए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है 25 अगस्त सन 2000। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी कौन है। दोस्तों आपका संबलपुर, रायपुर, नागपुर, ठीक है बिलासपुर, कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर है ना, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है आपका नागपुर। ठीक है चलिए नेक्स्ट है कमेटी दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष में है ना इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया। ओके है ना देखिए 1818 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1861 ईस्वी या 1862 ईस्वी। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है 1861 ईस्वी। ठीक है चलिए कमेटी 1905 में इनमें से किस जिला को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया है ना, ये है आपका बहरामपुर, संबलपुर, जसपुर और उसके बाद झारसुगुड़ा। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, वही है आपका संबलपुर। ठीक है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कमेटी है ना। क्वेश्चन अगला छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की धारणा सर्वप्रथम किनके मस्तिष्क में उभरी। सिंपल है सबको पता है आंसर, ठीक है ऑप्शन नंबर सी सही है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये है आपका छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था, कब हुआ था यार, देखिए आपका 1952 में है ना, 1954 में, 1956 में या 1958 में। ऑप्शन नंबर लगाइए कमेंट्स में, जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है 1956 में। ठीक है चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष में है ना छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना है ना, तो देखिए आपका 1860 में, 1862 में, 1863 में या 1865 में। ठीक है तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है 1862। ठीक है चलिए दोस्त अगला देखते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई है ना डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा है ना, बिंबाजी भोसले द्वारा, वीर नारायण सिंह द्वारा या चंदूलाल चंद्राकर द्वारा। ऑप्शन नंबर सिंपल है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है ना डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, ठीक है बघेल जी है ना। चलिए अगला देखते हैं पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी है ना 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया, वही है आपका ठीक है ऑप्शन नंबर है ना घुमा फिरा कर पूछ दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही है छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, ठीक है ध्यान से सुनिए। देखिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, देखिए आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा, दयाशंकर शुक्ला है ना शुक्ला द्वारा, शंकर गुहा नियोगी द्वारा या शिवदत्त शास्त्री द्वारा। ठीक है ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों आपका शंकर गुहा नियोगी द्वारा। ठीक है ओके ओके ये हो गया दोस्तों है ना, और ये है दोस्तों छोटा सा एमसीक्यू, छोटा सा वीडियो। ठीक है और आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला हो है ना, और लाभ मिला हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, सभी जगह शेयर करिए दोस्तों है ना। तो चला संगवारी हुआ मैं सोने वाला, गुड नाइट, गुड नाइट का मजा।